मुझे बहुत उम्मीद है कि हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और मुझे ये नज़र आता है कि आज हम इस कमरे में बैठे हैं और इस कमरे में बैठ के इस इशू के ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मीडिया हमारे साथ मौजूद है और हमें इस बात का एहसास है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करना है। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं। मुझे ये भी पता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई 2022 में पाकिस्तान में, जो हमारी गवर्नमेंट ने दी, उसके अंदर भी जेंडर सिक्योरिटी के इशू को उठाया गया। इसका मतलब है कि हम इस बात का एहसास करते हैं और इसका इतराफ़ करते हैं कि अगर हमारी आधी आबादी अपने घरों में, अपने काम करने वाले जगहों पे, अपनी वर्क प्लेसेस के ऊपर अगर सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो हम नेशनल सिक्योरिटी अचीव नहीं कर सकते। मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जब कहीं कोई घिनौना जुर्म होता है, चाहे वो ज़ैनब के ख़िलाफ़ हो कसूर में, चाहे वो मोटरवे के ऊपर हो, चाहे वो नूर मुकद्दम के ख़िलाफ़ हो, तो ये पूरे माशरे को जगा देते हैं और पूरा माशरा उठ खड़ा होता है और मुझे कहता है कि हम सो नहीं रहे, हम अभी मरे नहीं हैं, हमारे ज़मीर जाग रहे हैं, और यक आवाज़ हो जाते हैं विक्टिम्स के साथ, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए, उनके लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम सही रास्ते पे हैं, आई सी द ग्लास हाफ फुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मेरी रोज़ की बेटियों को इंशाल्लाह एक सेफ़ और बेहतर मुस्तकबिल दे पाएंगे।